विधानसभा में आज जन प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला उठा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा का मामला उठाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ ने खुद के और अन्य विधायकों का दर्द सुनाते हुए सरकार के परिपत्रों का उल्लंघन करार दिया। इस पर सभापति राजेंद्र पारिक ने व्यवस्था दी कि जिस जिस विधायक के साथ ऐसा हुआ है वो मंत्री शांति धारीवाल को अपना पीड़ा लिख कर देगा और जिस पर मंत्री प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने सदन में प्रोटोकॉल को लेकर अफसरों की मनमानी का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री शांति धारीवाल ने साल 1995 से लेकर साल 2018 के परिपत्र और नए परिपत्र में उठाए गए 10 बिंदुओं का हवाला देते हुए इसे बीजेपी सरकार में जारी किए गए परिपत्र से ज्यादा संपूर्ण और विस्तृत बताया। उधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा की अध्यक्षीय व्यवस्था थी कि अगर किसी जनप्रतिनिधि का सम्मान ना हो तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है, लेकिन अफसर विपक्ष के विधायकों की अनदेखी कर रहे हैं। बिल्डिंग खाली पड़ी है, आयुष शौचालय की 8 करोड़ की बनी हुई बिल्डिंग में इसलिए स्टाफ शिफ्ट नहीं हुआ। राजेंद्र राठौड़ उद्घाटन कराया, कौन होता है? मैं समझता हूँ ये पीड़ा मेरी नहीं है, एक एक के मन में पीड़ा है। ये जो हालात बनी हुई है, और मैं आज कह रहा हूं, जुम्मेवारी से कह रहा हूं, मंत्री महोदय गरूर में मत रहो, समय का चक्र घूम रहा है, समय के पहिए के घूमने के साथ अगर आप ये चाहते हो इसी प्रकार का व्यवहार हम करें आपको कैसा लगेगा? ये समय बता रहा है 0.5% का अंतर है, हम भी वहां आ सकते थे, इसलिए कृपया गुरूर में मत रहो। उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जहाजपुर एमएलए का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें तो ग्राम सभा में घुसने भी नहीं दिया गया, जिस पर सभापति राजेंद्र पारिक ने कहा कि जिस भी विधायक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है वो स्पीकर को अपनी शिकायत दे, जिस पर मंत्री कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। गलत नाम लिख दिए गए हैं या उसको न आने दिया, अब जाजपुर के माननीय सदस्य को तो मीटिंग में ही नहीं जाने दिया, मतलब उसके साथ जिस प्रकार के हाथापाई की स्थिति आ गई। मैं स्वयं भी जो है इस बात से सहमत हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात से सहमत हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय ये निर्देश देता हूँ कि जिस तरह की जो भी घटनाएं घटी है, माननीय बिराजे जो भी माननीय सदस्य जिनके साथ कोई बात हुई है वो अपनी बात माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दें, और माननीय मंत्री महोदय आप ये इंश्योर करें कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। अपनी बात को उठाते हुए बीजेपी सदस्यों ने 3 बार वेल में आकर हंगामा किया। मंडेलिया के बाद पर धारीवाल ने कहा कि अगर कोई आदमी कुछ भी कह दे तो उसका वो क्या कर सकते हैं। इस पर एक बार फिर सदन में हंगामा हुआ, हालांकि सभापति ने जहाजपुर के विधायक को सदन में बात रखने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच ही सभापति राजेंद्र पारेख ने चर्चा खत्म कर दी। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर। राज्य